सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर कई हिंदू संगठनों में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना के विरोध में बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को जिला मुख्यालय करीबी में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने जहां तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर SDM पूजा यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, तो विश्व हिंदू परिषद SDM सदर को इस घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। प्रदर्शन स्थलों पर काफी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। उदयपुर में युवक कन्हैयालाल की हत्या से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील सदर पहुंचे, वहां उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंच के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि यह घटना बताती है कि भारत में ISIS का पदार्पण हो चुका है, क्योंकि हत्या का तरीका ISIS के आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाली हत्याओं से बिल्कुल मिलता जुलता है। कभी जिहादियों द्वारा मंदिरों को सूखा जाता है, मंदिरों से मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, ये कतई सहन नहीं होगा। अगर भारत सरकार, अशोक गहलोत सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सरकार भी कल्पना नहीं कर सकती। आज बजरंग दल ने उन जिहादियों को हत्या कर दी है और उसके बाद वीडियो देकर के पूरे हिंदू समाज के ऊपर हिंदू समाज की तरह से एक चुनौती देने काम किया है, जिससे पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है और इस वजह से पूरे बदन कर पूरे देश भर में प्रदर्शन करते हैं। परसों उदयपुर में जो घटना हुई है, जहाँ पे कन्हैया लाल की हत्या हो गई है, उसके क्रम में आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है बजरंग दल और परिषद के द्वारा। चित्रकूट से अनु मिश्रा की रिपोर्ट।